Hello everyone so we are discussing previous year questions of the chapter molecular basis of inheritance and the topic regulation of gene expression in today's session we are going to discuss a question which was asked in the cbse board in different years in different forms so the first type is short answer type question for 2 marks which was asked in the cbse board all india examination 2014 so the question is how would lac operon operate in e coli growing in a culture medium where lactose is present as source of Sugar. next type is long answer type question for 5 marks which was asked in the cbsc board 2020 so the question is explain the expression of lac operon genes in e coli growing in lactose containing cultural medium the next type is long answer type question of 5 marks which was asked in the cbsc board 2020 the question is explain the role of different genes in a lac operon when in a switched on state next type is long answer type question of 5 marks which was asked in the board. Board All India Examination 2017. The question is: Write the different components of a lac operon in E. coli. Explain its expression while in an open state. Next type is long answer type question of five marks, which was asked in the CBSE Board daily Examination 2016, and the question is: Explain the role of lactose as an inducer in a lac operon. Next type is long answer type question of five marks, which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014, and the question is.

अलग अलग क्वेश्चन में लिखा है उसका मतलब होता है कि जब ई e कोलाय को हम लेक्टोज कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे सो बेसिकली इन सब क्वेश्चन में हमें लैकोपेरॉन एक्सप्लेन करना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा लाक ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल इन ई कोलाय लाक बेटा जीस का वो सिस्टम है जो तब काम करता है जब हम ई e. कोलाय को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें लेक्टोज प्रेजेंट हो लेक्टोज ई e. कोलाई के लिए शुगर का सोर्स है लेकटोज एक डायसेक्राइड होता है जब लाक काम करता है तो वो अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसमें से एक एंजाइम होती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो कि डायसेके इड यानी लेक्टोज को ब्रेक कर देती है उसकी मोनोसेक्राइड यूनिट्स में यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्लियर बेटा उसके बाद लैक काम कैसे करता है तो बेटा जो जनरली स्विच्ड ऑफ कंडीशन होती है यानी कि वो कंडीशन जब ई कोलाय लेक्टोज मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है तब क्या होता है जो लैक होता है बेटा उसके पास होता है आई जीन जो की होता है रेगुलेटरी जीन उसके बाद आता है प्रोमोटर रीजन और उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई एंड ए z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो कि लैक्टोज को ब्रेक करती है उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स में दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज y बनाती है परमीज एंजाइम जो कि सेल की परमेबिलिटी बढ़ाती है लैक्टोज के लिए और a जीन बनाता है ट्रांसएसिटाइलिस एंजाइम क्लियर बेटा तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी जब लैक्टोज एबसेंट होगा तो ये जो रेगुलेटरी जीन होगा बेटा बेटा इसका होगा होगा के के बाद translation और, translation के बाद और और ये 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 बनाएगा क्या करेगा ये protein जाके जुड़ जाएगा हमारे promoter region से जिससे हमारी जुड़नी थी और आर एन का क्या काम होता है स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करना अब जिस साइट पे आर एन ए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़नी थी उस साइट पे तो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ गया यानी

से बन गई परमीज एंजाइम और ए जीन से बन गई ट्रांस एसा ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी और, लेक्टोस होता रहेगा और जब लेक्टोस पूरी तरह से टूट जाएगा से हट जाएगी इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और लाक ओपिरॉन वापस से स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाएगा क्लियर जब लाक ओपिरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उस स्टेट को हम बोलते हैं स्विच ऑन स्टेट या फिर ओपन स्टेट क्लियर बेटा तो ये होता है लाक और उसकी फंक्शनिंग लाक बेटा थोड़ा बहुत हमेशा काम करता रहता है ताकि ये जो परमेज एंजाइम है ये बनती रहे यही हेल्प करेगी इलेक्ट्रोज को सेल के अंदर आने में क्लियर सो द आंसर इज इन लैक हियर लैक रेफर्स टू लेक्टोज अ पॉलिसट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स द लैक कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन द आई जीन हियर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर रादर इट इज डिराइड फ्रॉम द वर्ड इनहेबिटर तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जो हमारा रेगुलेटरी जीन है उसको हमने आई जीन बोला है और आई से हम जनरली इंड्यूसर समझ लेते हैं तो आईजीन इंड्यूसर के लिए नहीं है आईजीन इज फॉर रेगुलेटरी जीन विच इज डिराइड फ्रॉम द वर्ड इनहेबिटर क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटरी जीन से प्रोडक्ट बन रहा है जो प्रोटीन बन रहा है वो इस ओपेर की वर्किंग को इनहेबिट कर रहा है क्लियर एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A. द आई जीन कोच फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लाक ओपेर द जेड जीन कोच फॉर बीटा गैरेक्ट्रोसाइड बीटा ग्यन भी बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units galactose and glucose. The Y gene codes for permease, which increases permeability of the cell to beta-galactosidase. The A gene encodes a transacetylase. Hence all the three gene products in lac are required for metabolism of lactose. Lactose is the substrate for the enzyme beta-galactosidase, and it regulates switching on and off of the operon hence it is termed as inducer in the absence of a preferred carbon source such as glucose if lactose is provided in the growth medium of the bacteria the lactose is transported into the cells through the action of permease a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time otherwise lactose cannot enter the cells the lactose then induces the operon the repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the i gene. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. In the presence of an inducer, such as lactose or allolectose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. This state is known as switched-on state. Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. रेगुलेशन हो रहा है रेगुलेटरी जीन से इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो रेगुलेटरी जीन से प्रोडक्ट बन रहा है रिप्रेसर प्रोटीन ये इस लैक ऑफर की फंक्शनिंग को इनहेबिट कर रहा है इसीलिए इसका नेगेटिव इंपेक्ट है इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू